लगा था चिकोने में पड़ी रहकर कष्ट भोगने की अधिकारी हूँ। नहीं दीदी, वो मैं ज्येष्ठा मौसी, मैं जानता था आपका सौंदर्य अद्भुत है। गणेश दीदी की मिथ्या प्रशंसा क्यों कर रहा है? वो तो मैं जानती हूँ, ज्येष्ठा हूँ मैं, हर दृष्टि से श्रेष्ठ हूँ। क्या हुआ, तुम्हारे मुख पर ये संशय का भाव क्यों है? मौसी, आप सर्वथा उचित कह रही हैं, किंतु ये क्या कर रहा है गणेश? किंतु क्या मौसी? पारखी दृष्टि है मेरी, मैं तो आपकी सुंदरता से परिचित हूँ, किंतु उसे प्रमाणित करने के लिए आपको मामी जी के साथ खड़ा होना होगा। तभी तो उचित तुलना हो सकेगी ना। उचित है, इसमें किस बात का संकोच? अशौच स्थिति में ज्येष्ठा के साथ खड़ा होना, गणेश करना क्या चाह रहा है? नहीं दीदी, क्या हुआ, क्या तुम अब मेरे साथ खड़ी भी नहीं हो सकती? वो बात नहीं है दीदी। मैं तुमसे बड़ी हूँ, फिर भी सब कुछ छीन लेती हो तुम मुझसे। वैकुंठ ले लिया तो अब पाताल पर भी अपना अधिकार स्थापित करने आई हो तुम? नहीं दीदी, मेरा ऐसा कोई आश्रय नहीं है। विश्वास कीजिए मुझ पर, मैं स्वयं यहाँ अपनी इच्छा से नहीं आई हूँ। मेरी युक्ति कार्य कर रही है, ज्येष्ठा मौसी के आ जाने से माता लक्ष्मी का यहाँ पर रहना कठिन होता जा रहा है। शुभ संकेत मिल रहे हैं, हमारी शक्तियाँ बढ़ रही हैं। तुमसे कहीं अधिक सुंदर और श्रेष्ठ हूँ मैं, पाताल को उचित दिशा दिखाने में कहीं अधिक सक्षम हूँ। ये ज्येष्ठा यहाँ कैसे आ गई? अब मैं क्या करूँ? मामी जी, जहाँ ज्येष्ठा मौसी है वहाँ आप नहीं रह सकती, क्योंकि जहाँ वो है वहाँ अशौच है, और जहाँ अशौच है वहाँ आप कैसे रह सकती हैं? इसलिए यही एकमात्र उपाय था जिससे आप यहाँ से बाहर भी जा सके और अंधकासुर को दिए आपके वरदान की मर्यादा भी भंग ना हो। धन्यवाद पुत्र गणेश, उत्तम युक्ति है ये। नहीं दीदी, ये क्या कर रही है आप तो जानती हैं कि जहाँ अशौच है मैं वहाँ नहीं रह सकती। अच्छा, तो यही उचित है। नहीं दीदी, ये उचित नहीं है, आप इस प्रकार यहाँ आकर मुझे निष्कासित नहीं कर सकती। वैकुंठ तो पूर्व से ही तुम्हारा ही है लक्ष्मी, तो पाताल पर मेरे अधिकार को स्वीकार करने में तुम्हें इतना कष्ट क्यों हो रहा है? इसी प्रकार तुम भविष्य में वैकुंठ भी पहुँच गई और वहाँ अपना अधिकार जताने लगी तो? नहीं नहीं, मैं पाताल छोड़कर नहीं जाऊंगी, मुझे पाताल में ही रहना होगा। नहीं आऊंगी मैं वैकुंठ, पाताल में ही रहूंगी। स्वामी ऋषि सब यही है, मेरा आवाज है पाताल। दीदी आप चाहती हैं तो मैं चली जाती हूँ। प्रणाम ज्येष्ठा मौसी, अब मैं भी चलता हूँ। रुको, तुमने बताया नहीं कि कौन ज्यादा सुंदर है? पाताल से जाते हुए तो मामी जी ही अत्यंत सुंदर लग रही हैं। किंतु आप तो पाताल में आते हुए अद्वितीय सुंदर लग रही हैं मौसी।
पाताल के अनुरूप ही है आपका सौंदर्य। ठीक है मौसी, आप यहाँ स्थित होइए, मैं चलता हूँ। प्रणाम। चतुर गणेश। सेनापति कुमार कार्तिके, करो सामना धुंध के प्रचंड बाणों का। मामी जी संभालिए स्वयं को। क्या हुआ आपको? पुत्र, यही मेरी विवशता है। मैं शौच के समीप स्वस्थ नहीं रह सकती। मामी जी, मैं हूं ना आपके साथ, मैं आपको बाहर ले जाऊंगा। शीघ्र मुझे बाहर ले चलो पुत्र। आइए मेरे साथ, चलिए। मुझे तत्काल आपको यहाँ से ले जाना होगा मामी जी, क्योंकि सभी देवगण श्री की शक्ति के बिना निर्बल पड़ते जा रहे हैं। आइए मामी जी, अब हम कुछ ही क्षणों में बाहर निकलने वाले हैं।
संचार कैसे हो रहा है? कवच भी शक्तिशाली होता जा रहा है और ये आसुरी विष अपनी शक्ति खो रहा है। बस मामी जी, बाहर निकलने वाले ही हैं हम। दुख तो इस बात का है स्वामी कि जगत कल्याण के साथ महादेव और आदि शक्ति के सहयोग में हमारा साथ भी निहित है, अन्यथा मुझे भी आपसे विलग होना होगा। अभी भी आपसे क्रोधित हूँ स्वामी, मेरे इतने आग्रह करने के बाद भी आप महादेव को मनाने नहीं गए और इतना सब कुछ घट गया फिर भी आपने मुझसे क्षमा नहीं मांगी। आपको मनाने के लिए मैं शतबार क्षमा मांगने के लिए प्रस्तुत हूँ। आप अर्धांगिनी है मेरी, श्री है, शक्ति है मेरी, आपसे ही पूर्णता प्राप्त करता हूँ मैं, मुझे क्षमा कर दीजिए। बस और कुछ कहकर मुझे लज्जित मत कीजिए स्वामी। गणेश की बुद्धि की युक्ति से ही मेरा भास से बाहर आना संभव हो सका। Yeah!
कैसे उत्पन्न हुआ यहाँ? ये कौन है? ये बुढ़िया कौन है तू? कौन हूँ मैं? मैं कौन हूँ? मैं लक्ष्मी की बड़ी बहन हूँ। चली गई है वो यहाँ से। अब पाताल मेरा है। लक्ष्मी को यहाँ लाने का तो साहस कैसे किया तुमने? मुझे अपने निकट रखने के लिए कठोर नियमों का पालन करना अनिवार्य है पुत्र। यदि मुझे रखने में अशौच हुआ तो मैं उसी क्षण लौट जाऊंगी। ए बुढ़िया, तुम्हारा निर्णय तो मैं बाद में करूंगा। मुझे अपना कार्य करना होगा। श्री और शुभता दोनों ही पुनः लौट आए हैं हमारे पास। देवराज इंद्र, ये असुर अपना जीवित कैसे हो? प्रणाम असुर गुरु जी, पिताश्री ने आपको बुलाया है। मैं अपना कर्तव्य निभा रहा हूँ गणेश। महादेव के आदेश का पालन अवश्य करूंगा, किंतु कुछ समय के बाद। जब तक असुर गुरु की संजीवनी विद्या है हमारे पास, देवता पराजित नहीं कर सकते हमें। मेरे वरदान का अब तक दुरुपयोग ही किया असुर गुरु शुक्राचार्य ने। भगवान को प्रतीक्षा करवाना भक्त को शोभा नहीं देता असुर गुरु जी, इसलिए आप स्वयं जाने में असमर्थ हैं, तो मैं ही ले चलता हूँ आपको।
कहां लेके जा रहे हो मेरे गुरु को? कुमार करो पिताश्री, असुर गुरु उपस्थित है। प्रणाम महादेव। ये अनुचित है प्रभु, मुझे अपने कर्तव्य के निर्वाह से क्यों रोका आपने? मैं किस प्रकार अपने संजीवनी विद्या का प्रयोग करता हूं यह मेरी इच्छा है, किसी और को इसमें हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है। यहां देवासुर संग्राम अपने चरम पर है, ऐसे में मुझे यहां लाने का क्या औचित्य है? प्रथम पूज्य गणेश, तुम्हारा क्या विचार है? क्या असुर गुरु उचित कह रहे हैं? पिताश्री, आपने असुर गुरु को ये विद्या न्याय के समर्थन में अच्छाई के लिए दी थी। स्मरण रहे शुक्राचार्य, मृत संजीवनी विद्या का उपयोग मात्र धर्म और न्याय के लिए ही होना चाहिए। किंतु वो तो उसका प्रयोग असुरों को जीवित करने में कर रहे हैं, वो भी अंधकासुर की सहायता के लिए, जिसने माता लक्ष्मी को पाताल में बंदी बनाने का अधर्म किया। इसलिए वो जो भी कर रहे हैं वो सर्वथा अनुचित है पिताश्री। तो इन्हें क्या दंड देना चाहिए? आप इन्हें निकल जाइए पिताश्री, निकल जाइए पिताश्री, निकल जाइए पिताश्री, निकल जाइए पिताश्री। नहीं, नहीं महादेव, ऐसा मत कीजिए महादेव। छोड़ दीजिए मुझे महादेव, महादेव। ये क्या कर रहे हैं आप? छोड़ दीजिए मुझे। ये तो समस्त ब्रह्मांड है मेरे चारों ओर। ये कहां पहुंच गया मैं? Thank you.
असुरों का अंत कर रहे हैं देवता। महादेव, सत्य है, संपूर्ण संसार आपके उदर में स्थित है, जो बाहर है वो प्रत्यक्ष अनुभव मुझे यहाँ हो रहा है। नित्याय शुद्धाय दिगंबराय ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, तस्मै मकाराय नमः शिवाय। अब तुम सबका साथ देने असुर गुरु नहीं है दुष्टो। दुर्योधन, शीघ्र कुछ करो और योद्धाओं का भेजो। असुर राज महादेव ने असुर गुरु को निगल लिया है, पाताल श्रीहीन हो गया है, असुर हताहत हो रहे हैं और देवताओं की शक्ति फिर से बढ़ गई है। सूर्यास्त हो चुका है, युद्ध के नियमों के अनुसार अब युद्ध विराम होना चाहिए। अंधकासुर, आप पराजित हो चुके हैं। हम माता लक्ष्मी को लौटाकर श्रीयुक्त हो चुके हैं, ये स्वीकार कीजिए और जाइए यहाँ से। और कल प्रातः समर्पण कर त्रिदेवों से क्षमा याचना कीजिएगा। माता लक्ष्मी की जय। 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 तुमको निस दिन सेवत, आपके लौटने से हम पुनः शक्ति संपन्न होकर विजयश्री होने लगे। आप सभी देवताओं की विजय का श्रेय मुझे नहीं, गणेश को जाना चाहिए। गणेश ने ही ज्येष्ठा को पाताल लाकर अशौच उत्पन्न करने की युक्ति रची, जिससे मुझे वहां से मुक्ति का कारण मिला। प्रथम पूज्य श्री गणेश की जय। 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 इस अद्भुत, असाधारण और असंभव कार्य के लिए गणेश केवल बधाई का पात्र ही नहीं अपितु पुरस्कार का भी अधिकारी है। मैं गणेश को वरदान देती हूँ कि आज से मेरी पूजा के साथ उसकी पूजा करना भी अनिवार्य होगा। मैं गणेश को वरदान देती हूँ कि आज से मेरी पूजा के साथ उसकी पूजा करना भी अनिवार्य होगा। तभी मेरी पूजा पूर्ण हो सकेगी और मेरे भक्तों को मेरी कृपा प्राप्त होगी। धन्यवाद माता, प्रणाम। दर्शन
धन संपद सबई भरपूर पावे, ऐसे तुम महाराज मोको अति भावे, तो सभी नंदन निश दिन गुण गावे, जय देव जय देव, जय जय श्री गणराज विद्या सुखदाता, धन्य तुम्हारो दर्शन मेरा मन रमता, जय देव जय देव। आपकी इस कृपा के लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद मामी जी। उनकी मृत्यु हो गई असुरराज। वो दोनों भी नहीं रहे। असुर गुरु हमारे सबसे बड़े अस्त्र थे, मृत सैनिकों को जीवित कर वो हमें विजय दिला सकते थे, किंतु सदा के समान देवताओं ने अपने कपट से हमारा सर्वोत्तम अस्त्रम से छीन लिया। भ्राता अंधकासुर, जेष्ठ प्रहलाद, तुम यहाँ क्यों आए हो? मुझे नीचे दिखाने। भ्राता, चुप चुप चुप, हमारा कुछ नहीं होगा। आज एक छोटी सी अस्पताल में किंतु देवताओं को मैं अवश्य धूल दूषित करूंगा रणभूमि में। अनुज अंधकासुर, तुम्हें नीचा दिखाने नहीं, मैं तुमसे ये युद्ध रोकने की विनती करने आया हूं। आप और कर भी क्या सकते हैं ज्येष्ठ? अंधकासुर, अपने विवेक का प्रयोग करो, सोचो। तुम्हारे सारे प्रयत्न, समस्त कूटनीति असफल हो गई है। श्री रूपी माता लक्ष्मी का प्रस्थान तुम्हारे दुर्भाग्य का आरंभ है अंधकासुर। यही है श्री हरि प्रभु नारायण की लीला, वही होगा जो उनकी इच्छा होगी, वही होगा जो धर्मोचित है। महादेव का अंधकार हूं मैं, ब्रह्मदेव का वरदान प्राप्त है मुझे, श्री का प्रस्थान हुआ तो क्या, माँ आज मामी जी ने मुझे इतना बड़ा वरदान दिया, अपने साथ इतना बड़ा स्थान दिया है। आप भी यहाँ होती तो आपको कितना गर्व होता माँ। अत्यंत प्रसन्न हूँ मैं, क्योंकि आज देवी लक्ष्मी ने मेरे पुत्र गणेश को इतना बड़ा मान दिया है। महादेव, देवी लक्ष्मी और मेरे मध्य शांति स्थापित हो गई है, अब आप भी देवी पार्वती के साथ सामंजस्य स्थापित कर लीजिए। अभी उसका समय नहीं आया नारायण। Da ba ba ni da
आज देवताओं की विजय से अत्यंत प्रसन्न है, किंतु वास्तविक प्रसन्नता तो मुझे महादेव और देवी पार्वती को साथ देखकर ही प्राप्त होगी। हाँ मामी जी, किंतु ज्ञात नहीं माँ और पिता श्री की भेंट कब होगी, कब वे मिलेंगे और हमारा परिवार पूर्ण होगा। जहाँ एक ओर मेरे पिता श्री तपस्या कर ब्रह्मदेव से वरदान प्राप्त कर रहे थे, वहीं दूसरी ओर इंद्रदेव ने मेरी माता का अपहरण कर लिया। मेरी माँ का हरण कर उन्हें अपना बंदी बनाने का प्रयास किया, जिससे वो उसके गर्भ में पल रहे शिशु का वध कर सकें। परंतु देवर्षि नारद ने उन्हें समझाया और इस घृणित कार्य को करने से रोका। अपने संभावित पाप कर्म से भयभीत होकर देवराज ने माता देवी लीलावती को देवर्षि नारद के पास ही छोड़ दिया। माँ अपनी होने वाली संतान को लेकर चिंतित थी, इसलिए देवर्षि ने उन्हें अपने ही आश्रम में शरण दी, जहाँ दिवस हो या रात्रि मात्र श्री हरि नारायण का नाम ही जपा जाता है और भजनों में उन्हीं की लीलाओं का वर्णन होता है। सौभाग्य से माँ के गर्भ में ये सब सीखने वाली संतान मैं था। तुम जग के स्वामी जगपाल हो, तुम हो भोर विष्णु तुम रात हो, अंता भी तुम अनंता भी तुम, निर्बल सबल सबके नाथ हो। नारायणा नारायणा हरि माधव मृणाला नारायणा। जहां मैं माँ के गर्भ में हरि भक्ति में लीन था, वहीं दूसरी ओर मेरे पिताश्री देवताओं से युद्ध करने में तल्लीन थे, ताकि वो उन पर अपना अधिकार और वर्चस्व स्थापित कर सके। असुरराज हिरण्यकश्यप की जय! 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 इसके पश्चात मेरे पिता श्री वैकुंठ पहुंचे, ताकि वो प्रभु श्री नारायण को चुनौती देकर वहां भी अपनी प्रभुता स्थापित कर सके। उच्छलिए श्री हरि को चुनौती देने वैकुंठ गया था मैं, किंतु वो वहां से भाग गया। अवश्य ही मेरे वरदान के विषय में जानकर कहीं छुप गया होगा वो। इसलिए अब वैकुंठ हमारे अधीन है और हम वैकुंठ के राजा अब हम ही हैं। असुरराज हिरण्यकश्यप की जय! असुरराज हिरण्यकश्यप की जय! असुरराज हिरण्यकश्यप की जय! श्री हरि नारायण उचित समय से पूर्व कुछ नहीं करते, इसलिए तब उन्होंने मेरे पिता श्री से युद्ध नहीं किया, क्योंकि कर्मों का चक्र ही जीव के जीवन और मृत्यु का उचित समय निर्धारित करता है। पिताजी के कुछ सुकर्म उनके विनाश से उनकी रक्षा कर रहे थे और श्री हरि ब्रह्मदेव द्वारा दिए गए वरदान का भी सम्मान कर रहे थे। फिर पिताश्री स्वर्ग लोक गए, किंतु वहां देवराज और अन्य देवताओं ने आत्मसमर्पण कर दिया, क्योंकि उन्हें लगा जब श्री हरि नारायण ने ही युद्ध नहीं किया तो वो उसमें कहां सक्षम होंगे। इंद्रलोक के बाद उन्होंने पृथ्वी के राज्यों को अपने अधीन किया, कोई उन्हें चुनौती नहीं दे सका, किंतु वो वही नहीं रुके। उन्होंने स्वयं को ईश्वर घोषित कर सभी को उन्हें ईश्वर मानने पर विवश कर दिया। मैं हिरण्यकश्यप सर्वशक्तिशाली सर्वशक्तिमान नवीन ईश्वर हूं मैं। बोलो प्रभु हिरण्यकश्यप महाराज के। पिताजी
माता और मुझे देवर्षि नारद के आश्रम से लौटाकर ले गए, जहां एक ओर वो सभी को अपनी भक्ति के लिए विवश कर रहे थे, वहीं मैं सदैव हरि भक्ति में लीन रहने लगा। ओम नारायणाय नमः, 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 ओम नारायणाय नमः। मेरे गुरुओं को इसका भय था कि पिता श्री को मेरी हरि भक्ति की भनक पड़ गई तो मेरे साथ उन्हें भी दंड मिलेगा। प्रहलाद मेरे पुत्र। पिताश्री, पिताश्री, पिताश्री। पुत्र, अपने सुमधुर स्वर में वेदों का सार बताओ। पिताजी, वेदों का ज्ञान तो सहज है। धर्म के पथ पर चलना, उचित कर्म करना और त्रिलोक के स्वामी श्री हरि विष्णु, जिनसे संपूर्ण संसार गतिमान है, उन्हीं की आराधना करना हमारा धर्म है। वो सदैव अपने भक्तों की रक्षा करेंगे। का नाम मेरे समक्ष लेने का दुस्साहस किया तो मैं भूल जाऊंगा कि मैं तुम्हारा पिता हूँ। प्रभु श्री तो मेरे सर्वस्व हैं। मैं श्वास लेना छोड़ सकता हूँ किंतु उनका नाम लेना नहीं। नहीं स्वामी, नहीं। ये तो एक निर्दोष बालक है, इसे इतना भयानक दंड मत दीजिए। किंतु पिताश्री के क्रोध की तो कोई सीमा ही नहीं थी। ओम नारायणाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम नारायण। उन्होंने मुझे हरि भक्ति से दूर करने के अनेकों क्रूरता भरे प्रयास किए, किंतु प्रत्येक बार श्री हरि नारायण ने मेरी रक्षा की। असुरों में सर्वोच्च अवश्य हैं आप, किंतु जन्म और मृत्यु आपकी नहीं, श्री हरि की इच्छा से होते हैं। मेरी मृत्यु संभव है, तुम्हारा हरि मुझे नहीं मार सकता, कोई मुझे नहीं मार सकता, किंतु मैं किसी को भी मार सकता हूँ। तो क्या तुम्हारे श्री हरि मुझसे भी तुम्हारी रक्षा करेंगे? अवश्य। श्री हरि, श्री हरि, श्री हरि। दिखो, मुझे तो नहीं दिखते तुम्हारे हरि, कहाँ है वो? अगर तुम्हारी रक्षा करने आए हैं तो कहाँ है वो? बोलो, दिखाओ मुझे कहाँ है वो। प्रभु नारायण हरि तो सर्वत्र है पिताश्री, कोई ऐसा स्थान नहीं जहाँ वो नहीं हो। अच्छा, तब फिर तो इस गदा में भी है जिससे मैं तुम्हारा वध करने वाला हूँ। अवश्य है पिताश्री, खड़ग में है,
खंभ में है, जहाँ दृष्टि जाती है, जहाँ नहीं भी जाती है, सभी स्थानों पर है मेरे प्रभु श्री नारायण। तुम्हारे कहने का अर्थ है कि वो मुझ में है, तुम में है, इस स्तंभ में भी है? अवश्य। तो ठीक, अगर मुझे तुम्हारे श्री हरि इस स्तंभ में नहीं दिखे तो सर्वप्रथम मैं तुम्हारे शीश के अनेकों टुकड़े कर दूंगा। ओम नारायणाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम नारायणाय नमः। साधन है।
हरि श्री हरि। ज्वलन्तं सर्वतो मुखं नृसिंहं भीषानाम भद्रं मृत्युर्मृत्युं नमामि अहम्। अनुज अंधकासुर नरसिंह रूप में श्री हरि नारायण यहीं प्रकट हुए थे। अनुज अंधकासुर, अभी भी समय है, सुधर जाओ, क्षमा मांग लो श्री हरि नारायण से। अर्थात आपके शब्द सत्य हुए श्री गणेश जी। अंधकासुर समझ चुका है कि उसकी विजय संभव नहीं है। युद्ध करने के लिए उसकी सेना शेष कहां रही? कौन करेगा उसके लिए युद्ध? प्रतीत होता है वो किसी भी क्षण बाहर आएगा और अपनी पराजय स्वीकार कर लेगा। यदि आपके वचन सत्य हुए तो यह अति उत्तम होगा, किंतु मेरे अनुसार हमें अभी भी सावधान रहना चाहिए। अनुज अंधकासुर, भोर हो चुकी है, अब तुम्हें देवताओं के समक्ष आत्मसमर्पण कर देना चाहिए। जिस प्रहलाद आपको जो कहना था आपने वो कह दिया, अब मैं वो करूंगा जो मुझे करना है। अब तो मेरे पास और भी बड़ा कारण है देवताओं से युद्ध करने का। प्रतिशत अपने पूर्वज महानतम असुरराज हिरण्यकश्यप के निर्बल वध का प्रतिशोध अब देवासुर संग्राम भी होगा और असुरों की विजय भी अवश्य होगी। देवताओं को कदाचित ज्ञात नहीं कि इस बार मैं उनके लिए क्या उचित प्रबंध करने वाला हूँ। ज्ञात नहीं, अंधकासुर हूँ मैं, अंधकासुर हूँ मैं। ओम भीमाय नमः। ये मुझे कैसी अनहोनी का आभास हुआ है? गणेश सकुशल तो है,